वेलकम टू आवर चैनल ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको रेडियन के ओल्ड रेडियन और न्यू रेडियन डोल्टर कलर के साथ जो वो लॉन्च हुई है उसके हम 5 से 6 खासियत आपको बताएंगे। 5 से 6 फीचर है जो दोस्तों, ये इसके पहले वाला मॉडल है और ये इसका नया मॉडल है जो ड्यूल टोन कलर के साथ आया है। आज हम इसकी 4 से 5 खासियत बताएंगे। दोनों मॉडल में 4-5 फर्क ऐसा है जो इसको अलग ही लुक प्रदान करती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको बताने जा रहे हैं, इसकी कलर की बात करने जा रहे हैं। ये ड्यूल टोन कलर में अवेलेबल है और जो पहले वाली रेडियन है वो सिंगल कलर में ही आती है। दूसरा हम इसके मिरर की बात करें, मिरर क्वालिटी इसमें जो ड्यूल टोन कलर के साथ दिया गया है इसमें क्रोम का मिरर दिया गया है और पहले वाली रेडियन में नॉर्मल मिरर दिया गया है। तीसरे इसकी फीचर की बात करें तो आपको साइड जो कवर है, कवर फ्रेम, उस पर देखो ये क्रोम का डिज़ाइन दिया गया है और जो पहले वाली रेडियन की बात करें उस पर सिंपल सा कवर फ्रेम दिया गया है। फोर्थ इसकी खास फीचर की या खासियत की बात करें तो हम इसकी सीट की, जो इसका ड्यूल टोन कलर में सीट है इसकी ब्लैक कलर सीट दी गई है और पहले वाले रेडियन में इसकी ब्राउन कलर की सीट आती है। और हम इसकी फिफ्थ फीचर की बात करने जा रहे हैं तो इसकी मीटर क्वालिटी, जिसके मीटर क्वालिटी है वो डिजिटल मीटर में दिया गया है और जो नॉर्मल रेडियन थी पहले वाली रेडियन उसमें जो मीटर है वो एनालॉग मीटर दिया गया है और इसमें डिजिटल मीटर दिया गया। और सिक्स्थ फीचर की बात करने जा रहे थे, इसमें यूएसबी पॉइंट दिया गया, फ़ोन वगैरह चार्जिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो पहले वाली रेडियन के अंदर यूएसबी पॉइंट नहीं दिया गया है। तो ये दोस्तों इसके 5 से 6 खासियत है जो दोनों रेडियन में अलग अलग फीचर, अलग अलग लुक प्रदान करती है। तो किस किस को इसके फीचर पसंद आए और जिसको भी पसंद आया कुछ पूछना है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।